अलमदरगा कमेटी के सदर जनाब आसिफ अंसारी की जानिब से रमज़ान महीने के आखिरी वक्त में ईद उल फितर के लिए इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी सामान का पैकेज तैयार कर गरीब ज़रूरतमंद और मुस्तहिक लोगों के घर तक जाकर डोर टू डोर राशन पहुंचाने का काम किया है। और ये राशन सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, मुसलमानों के साथ हिंदू धर्म के गरीब ज़रूरतमंद लोगों तक भी ये राशन पहुँचाया गया है। आसिफ अंसारी हर साल ईद के लिए ज़रूरतमंद लोगों में राशन डिस्ट्रीब्यूट करते आ रहे हैं और लॉकडाउन में भी तमाम मुस्तहिक लोगों में राशन के अलावा कई ज़रूरियाती सामान डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इस साल रमज़ान ईद के अलावा हिंदू भाई बसवा जयंती भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखते हुए मुसलमानों के अलावा हिंदू धर्म के ज़रूरतमंद लोगों में राशन पहुंचाया गया है। तमाम ख़वातीन और बुज़ुर्ग आसिफ अंसारी के इस नेक काम को देख इनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआएँ कर आगे भी इसी तरह ज़रूरतमंद लोगों के काम आने की ख्वाहिश जताई है। जनाब आसिफ अंसारी साहब ऑनर शाहीन फंक्शन हॉल के मकान पर हाज़िर हुए हैं। यहाँ पर गरीब और मिस्कीन लोगों के अंदर राशन के किट्स तकसीम करने का एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें जनाब आसिफ अंसारी साहब कारोबारी, इन्होंने हर एक गरीब मिस्कीन और मोहताज हर एक को इन्होंने राशन देने का काम किया है। और यहाँ आने के बाद एक बात मुझे अच्छी देखने में ये मिली कि यहाँ पर सिर्फ किसी एक ख़ास मज़हब के लोगों को नहीं दिया जा रहा है, बल्कि हिंदू मुस्लिम जो भी आ रहे हैं सबके लिए इनकी किट तकसीम की गई, ताकि हर एक को खुशी मिले। कल ईद है तो ईद का मकसद ये होता है कि हमें खुशियाँ बांटनी हैं, तो इन्होंने कोशिश की कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जो भी जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ क्यों ना रखता हो, उसके घर राशन पहुँचे, ताकि वो इत्मीनान के साथ में, दिली खुशी के साथ में और अच्छे सद्भाव के साथ में ईद का अहतमाम कर सकें। लिहाजा आवाम को इनका मशकूर और ममनू होना चाहिए कि इन्होंने इस कदर बेहतरीन अमल किया। और ये ईद उल फितर में, ईद उल फितर के मौके पर जनाब मोहम्मद गाजी अंसारी साहब कारबारी, जो के हमारे घर दिल अज़ीज़ बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, जो के आसिफ अंसारी साहब कारबारी के वालिद हैं, इनके एहसाले सवाब के लिए ये राशन किट तकसीम का प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, ताकि अल्लाह तबारक व ताला इनकी आखिरत में उन्हें सुकून अता फरमाए। इसके अलावा भी मज़ीद आसिफ अंसारी कारबारी साहब ने अपने वालिद साहब के लिए एहसाले सवाब के लिए और भी बहुत सारी खिदमतें अंजाम दी हैं, जैसा कि मस्जिद शाहाना में छत का भी उन्होंने इंतज़ाम किया था नमाजियों के लिए अपने वालिद साहब के एहसाले सवाब के लिए। लिहाजा ये कार्य खैर है, बस यही दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व ताला इनके इस अमल को अपने बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। तुम रहमतुल्लाहि बरकातहु। सबसे पहले मैं रमज़ान की ईद की मुबारकबाद देता हूँ मेरे पूरे हिंदू भाइयों और मुसलमान भाइयों को। इस ईद की तमाम खुशियां मुबारक हो आपको, आपके फैमिली को, और आपको ईद की तमाम खुशियां मुबारक। दो तीन साल से हमारे मुसलमान भाई ईद मनाए नहीं, क्यों? लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से। आज इस साल ईद मनाने का एक मौका मिला है। हमारे अलंद तालुके में सब हिंदू और मुसलमान भाई, हम उनके त्यौहार में जाते हैं, उन्होंने हमारे त्यौहार में आते हैं। हम सब मिलके हंसी खुशी से एक पैगाम, एक मैसेज जो अलंद तालुके का जो जाता है, एक हिंदू मुस्लिम का, सब मिलजुल के भाई भाई के जैसा है यहाँ पे। तो इस वजह से मैं जो है ना, पूरे हिंदू और मुसलमान दोनों को ये किट जो है रमज़ान किट तकसीम किया। सब में बड़ी खुशी ये है कि हमारे हिंदू भाई भी आके इसको, हमारे जो गिफ्ट को, हमारे रमज़ान के जो पैकेज जो मैं बनाया था किट, उसको लेके बहुत खुशी हुई हमें कि वो हमें, हमारे किट को एक्सेप्ट करें। एक्चुअल ऐसा बात है, यहाँ अलंद में सब हिंदू भाई एक प्लेट में खाना खाने वाले हैं, एक दूसरे जो है मोहब्बत से हैं।
इसीलिए यहाँ अलन तालुके को हिंदू और मुसलमान को डिवाइड कोई नहीं कर सकता।